सुपन अर्थशास्त्र कक्षा 12वीं का पढ़ेंगे। इसके पहले वाले अध्याय में अपन ने मांग की परिभाषा, मांग का अर्थ, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे मांग का नियम। तो मांग का नियम काय पर आधारित होता है? कीमत। काय पर आधारित होता है बच्चों? कीमत। मांग का नियम कीमत तथा मांग के संबंध को व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार कीमत तथा मांग में विपरीत संबंध होता है, अर्थात समान दशा में वस्तु की मांग की जाने पर मात्रा उसी कीमत के विपरीत दिशा में बदलेगी। इसी प्रकार कीमत के बढ़ने पर मांग कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। मांग का नियम काय पर आधारित होता है? कीमत पर। तो मांग के नियम की परिभाषा है बेटा मार्शल ने दी है। ऐसे तो कई अर्थशास्त्रियों की परिभाषा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मार्शल की परिभाषा। वस्तु की जितनी अधिक मात्रा में बेचने के लिए होती, मतलब कोई वस्तु अपन जब उत्पादन होता है तो उसकी अधिक से अधिक मात्रा में बेचने के लिए होती है, वह उतनी ही कम कीमत पर बेचने के लिए प्रस्तुत करना होगा जिससे ग्राहक मिल सके। दूसरे शब्दों में मांग की जाने वाली मात्रा कीमत गिरने के साथ क्या होती है? बढ़ती है। और कीमत बढ़ने के साथ कैसी हो जाती है? गिरती है। परिभाषा से स्पष्ट है मांग का नियम कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप परिवर्तन की दिशा को क्या करता है? बताता है। मांग की परिभाषा जो है वो क्या है? मांग की मात्रा को नहीं, कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी और कीमत घटने पर मांग बढ़ेगी, परंतु कितनी मात्रा में है इस बात की व्याख्या नहीं करता। तो मांग के नियम की मान्यताएं हैं, निम्नलिखित मान्यताएं हैं बच्चों। पहला है उपभोक्ता की आय समान रहनी चाहिए। मतलब किसी वस्तु की मांग करने पर पहले उपभोक्ता की क्या होनी चाहिए? आय। आय के बिना तो कुछ अपन कुछ खरीद नहीं सकते बेटा, है ना। तो आय होगी तभी अपन कीमत क्या कर पाएंगे? दे पाएंगे। तो सबसे पहले होता है उपभोक्ता की आय समान रहनी चाहिए। दूसरा है उपभोक्ता के स्वभाव और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मतलब एक वस्तु जब बाजार में उत्पादित होकर आती है बच्चों, तो एक नहीं आती, कई आती। तो हर व्यक्ति को एक ही वस्तु की आवश्यकता, तो उपभोक्ता के स्वभाव और उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तीसरा है आय अन्य संबंधी वस्तु के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। चौथा, वस्तु किसी नई स्थापन वस्तु का पता नहीं लगना चाहिए। पांचवा, भविष्य में वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने की आशा नहीं होनी चाहिए। आप देखोगे कई जो अपन दैनिक जीवन में जो वस्तुओं का उपयोग करते हैं उनका मूल्य हमेशा एक सा होता है, केवल उनको राज्य शासन ही बदलती है। छठवा, वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसके प्रयोग से समाज में अधिक से अधिक प्रतिष्ठा हो। मांग के नियम की व्याख्या अथवा मांग वक्र ढाल नीचे की ओर क्यों होता है? मांग वक्र नीचे की ओर क्यों? मतलब जब कीमत घटेगी बढ़ेगी तो मांग वक्र कैसा हो जाता है? नीचे की ओर। और जब कीमत घटती है तो मांग वक्र कैसा होता है? ऊपर। मांग के विपरीत संबंध को प्रदर्शित करता है मांग के नियम की क्रियाशीलता। मांग वक्र के नीचे झुके होने के लिए निम्नलिखित कारण हैं। तो पहला है घटती हुई सीमांत टोड़ी गुण का नियम। मतलब जो मांग होते हैं उसमें भी क्या होता है? सीमांत त्रुटि गुण होता है। घटते हुए सीमांत त्रुटि गुण का नियम, जैसे किसी वस्तु को अधिक से अधिक मात्रा में प्रयोग करते हैं, जब अपन किसी वस्तु का उपयोग करते हैं तो उसकी उपयोगिता कम होती जाती है, वैसे वैसे उस वस्तु को अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करते हैं वैसे वैसे सीमांत मतलब संतुष्टि गुण घट जाएगा, मतलब उनकी जो आवश्यकता हो कम होती जाएगी और उस वस्तु का उपयोग अपन कम करेंगे। बाद में आने वाली इकाई हम कीमत देंगे, इसी कारण यह नीचे की ओर क्या हो जाता है? जो वक्र होता है गिर जाता है। फिर है प्रतिस्थापन।
जब कोई वस्तु सस्ती हो जाती है तो महंगी वस्तु के स्थान में इसका उपयोग वस्तुओं का उपयोग अपन कर लेते हैं। मूल्य के कम होने पर मांग कैसी होती है, बढ़ जाती है। तीसरा है आय का प्रभाव। आय प्रभाव यह बताता है किसी वस्तु के मूल्य में कमी होने से उपभोक्ता की आय क्रय शक्ति में वृद्धि। तब जो वस्तु के मूल्य में कमी होती है तो उपभोक्ता की आय व क्रय शक्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि। वह मुद्रा उतनी ही मात्रा में अधिक से अधिक वस्तु खरीद सकता है, मतलब कोई व्यक्ति अगर वस्तु सस्ती हो जाएगी तो उसको अधिक से अधिक मात्रा में खरीद सकता है। यही कारण है किसी वस्तु का मूल्य घटता है तो उपभोक्ता वस्तु की अधिक मात्रा में, और जब मूल्य में वृद्धि होती है तो वस्तु को कम मात्रा में क्रय करता है। चौथा है क्रेता की संख्या में परिवर्तन। जब किसी वस्तु के मूल्य में गिरावट आती है तो वे अनेक व्यक्ति जिनके लिए पहले आय कम होने पर वस्तु विशेष का उपभोग संभव नहीं था, मतलब जब वस्तु के मूल्य में गिरावट आती है तो व्यक्ति उसको पहले से मतलब कम वस्तु विशेष गुण में उसका उपभोग कर लेता है, फिर वस्तु की मांग करने लगते हैं। अतः मूल्य कम होने पर बाजार में कुल मांग वृद्धि हो जाती है। किसी वस्तु का मूल्य कम होगा तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इसके विपरीत मूल्य में वृद्धि होने पर अनेक उपभोक्ताओं के लिए वस्तु विशेष का प्रयोग करना संभव नहीं रहता, परिणाम स्वरूप बाजार में कुल मांग कैसी होगी, कम हो जाएगी। फिर है मांग के नियम के अपवाद। अगर किसी वस्तु के गुण है बेटा तो उसके अपवाद भी है। कुछ परिस्थितियों में मांग का नियम सही रूप से कार्य नहीं करता, मतलब एक ऐसा नहीं है कि हर वस्तु की मांग हमेशा एक सी बनी रहे। कुछ परिस्थितियों में मांग का नियम सही रूप से कार्य नहीं करता, मतलब अपन को जो बहुत जरूरी वस्तु है अगर वो महंगी भी होगी तो अपन खरीदेंगे, है ना। अर्थात वस्तुओं की कीमत कम होने पर मांग कैसी होगी, बढ़ने की बजाय कम हो जाती है, और कीमत बढ़ने पर घटने की बजाय बढ़ जाती है। ऐसी दशा में मांग वक्र नीचे की ओर झुकने की बजाय ऊपर उठता हुआ होता है। इन दशाओं में मांग के नियम के अपवाद हैं, कुछ नीचे अपवाद दिए हुए हैं बेटा, निम्नलिखित हैं। तो पहला है अनिवार्य वस्तु, यह नियम मतलब जो अपवाद है अनिवार्य वस्तु पर लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर अपन कोई वस्तु खरीद रहे हैं और बिल्कुल अपन को आवश्यक है, मान लीजिए आप आज पढ़ रहे हो किताब ही, तो किताब में यह नियम लागू नहीं होता, क्योंकि अगर जितनी भी महंगी होगी आपको खरीदनी होगी, है ना। तो पहला है अनिवार्य वस्तु पर यह नियम, क्योंकि बुक आपके लिए अनिवार्य है, अनिवार्य वस्तु में आती है। मनुष्य की आवश्यकता और जीवन रक्षक आवश्यकताओं के क्षेत्र में यह नियम ठीक से लागू नहीं होता। इसका कारण यह है कि इन्हें पूरा करना आवश्यक होता है। मूल्य में वृद्धि या कमी मांग पर बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। फिर दूसरा है बहुमूल्य वस्तुओं पर, है ना। मांग का नियम के लिए यह भी एक अपवाद है कि बहुमूल्य वस्तु पर यह लागू नहीं होता। बहुमूल्य वस्तु जैसे हीरा का उपयोग समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, उपयोगिता की दृष्टि से नहीं, मतलब हीरा हर व्यक्ति के लिए उपयोगी नहीं है, केवल व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा के लिए इसका उपयोग करता है। अतः इसके मूल्य बढ़ने से मांग कैसी होगी, मांग भी बढ़ती है, क्योंकि मूल्य जितना बढ़ेगा सामाजिक प्रतिष्ठा भी उतनी ही बढ़ेगी। फिर तीसरा है अज्ञानता फलस्वरूप। तो मांग के नियम का तीसरा अपवाद है अज्ञानता के फलस्वरूप, मतलब अपन को किसी वस्तु का ज्ञान नहीं है लेकिन अपन उसको लेना चाहते हैं, और उपयोगी है ना अनुपयोगी है ये भी नहीं सोचते, है ना। तो ये भी एक अपवाद है। समानता उपभोक्ता को बाजार में वस्तु की मांग या पूर्ति या मूल्य के विषय में पूरी जानकारी नहीं होती, तो उपभोक्ता उसे खरीद लेता है,
विक्रेता इसका लाभ उठाकर अधिक मूल्य पर वस्तु को बेच देता है। कभी कभी उपभोक्ता इसी वस्तु को उच्च कोटि का समझकर अधिक मूल्य दे देता है, मतलब जो वस्तु को उपयोगिता नहीं है लेकिन वो अधिक मूल्य पर भी उसको खरीद लेता है, क्योंकि उसको जो विक्रेता है वो उसे, क्योंकि उसको तो बेचना है बेटा, तो वो कुछ भी बेचेगा और हम कुछ भी खरीद, ऐसा नहीं। तो अपन को जब जानकारी ना हो, है ना, तो फिर है आदत की वस्तुओं पर यह सामान्यता, मतलब जो ये बस ये नियम है, अपवाद है। तो जो आदत की वस्तुएं हैं, आदत की वस्तुओं में समानता नियम लागू नहीं होता जब उपभोक्ता किसी वस्तु के उपयोग का बहुत अधिक आदि हो जाता है। जैसे मतलब व्यक्ति है उसको किसी भी चीज़ की आदत हो सकती है ना, जैसे किसी भी तंबाकू पान, जो मूल्य बढ़ने पर भी पूरी मात्रा में वस्तु को खरीदता है क्योंकि वो उसकी आदत है, यह नियम लागू नहीं होता। फिर पांचवा अपवाद है भविष्य में कम पूर्ति की संभावना। संभावना जब बस जब उपभोक्ता को यह अनुभव होता है कि भविष्य में यह वस्तु उपलब्ध नहीं होगी या कम मात्रा में उपलब्ध होगी, तो वह वस्तु को अधिक मूल्य देकर खरीदने की इच्छा हो। आज का समय बेटा कोरोना में ऐसा ही है कि कोई वस्तु को अगर अपन खरीदना चाहते हैं तो अपन, अगर वो सस्ती भी है लेकिन आज के समय कोरोना में उस वस्तु को व्यक्ति दुगने दाम में बेच रहा है, तो ये अपनी पूर्ति के लिए अपन उसको पैसा देकर क्या कर सकते हैं, खरीद लेते हैं। अपन जानते हैं कल मिले या ना मिले, इसलिए आज उसको अपन अपनी पूर्ति के लिए ज़्यादा मूल्य देकर खरीद लेते हैं। फिर है जब मूल्यों में कम से वृद्धि हो रही हो, भविष्य में उस वस्तु के मूल्य में और अधिक वृद्धि की संभावना रहे, उस वस्तु के मूल्य में क्रमशः वृद्धि की मांग बढ़ेगी। अपन आज कोई जो भी वस्तु खरीदते हैं उसका मूल्य, पहले सबसे पहले अपन मूल्य ही पूछते हैं, कैसे है भैया, कैसे दिया भैया, है ना, तो ये मूल्य पर क्या होता है, निर्धारित होता है। फिर सातवां है विशेष परिस्थितियों में, तो मान के नियम का ये अपवाद है, विशेष परिस्थितियों में यदि किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष परिस्थितियों में किसी विशेष वस्तु की मांग एकदम बढ़ जाए तो उस वस्तु की कीमत कैसी होगी, बढ़ जाएगी, है ना। अभी लॉकडाउन लगा था बच्चों, हर वस्तु की कीमत कैसी थी, बढ़ी हुई थी। 5 रुपये की चीज़ 10 रुपये में व्यक्ति क्यों खरीद रहा, और खरीद भी रहा था व्यक्ति, क्योंकि उसको क्या थी, आवश्यकता थी। तो ये भी एक अपवाद है मांग का, अर्थात अधिक मूल्य पर अधिक मांग होगी। जैसे कोई बीमारी, कोई बीमार तीव्रता से, बीमारी तीव्रता से फैल रही है और उसकी दवाई की कीमत बढ़े तो उसकी मांग कैसी होगी, बढ़ेगी। आज आप देखो सर्दी खांसी की दवाएं अधिक मूल्य पर भी लोग खरीदने को तैयार है ना, तो ये विशेष परिस्थितियों में, ठीक है। फिर है मांग में परिवर्तन अर्थात मांग में वृद्धि, तो मांगी गई मात्रा में अर्थात मांग के विस्तार और संकुचन। साधारण वर्ष भाषा में मांग में परिवर्तन, मांगी गई मात्रा में परिवर्तन का एक अर्थ होता है। अर्थशास्त्र में दो विभिन्न बातें हैं, पहला अन्य बातें समान रहे पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग की जाने पर मात्रा में जो परिवर्तन होता है उसे मांगी गई मात्रा में परिवर्तन अर्थात मांग का विस्तार या संकुचन कहते हैं। मतलब अन्य बातें समान है तो वस्तु की कीमत में परिणाम के स्वरूप उसकी वस्तु को, मतलब जो मांगी जाने वाला परिवर्तन है उसे विस्तार या संकुचन कहते हैं। इसके विपरीत वस्तु की कीमत अपरिवर्तन रहने पर जब किसी अन्य तत्व जैसे उपभोक्ता की आय, रुचि, फैशन आदि में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मांग में जो वृद्धि या कमी होती है उसे परिवर्तन कहते हैं। तो उपभोक्ता अपनी आय और रुचि के अनुसार वस्तु को खरीदने में वो अपना परिवर्तन कर सकता है, तो उसे क्या कहेंगे बेटा, परिवर्तन। इस प्रकार मांग में विस्तार व संकुचन होने पर मांग तालिका व मांग वक्र वही रहते हैं,
मांग में परिवर्तन कहते। इस प्रकार मांग के विस्तार के संकुचन होने पर मांग तालिका और मांग वक्र वही रहता है, केवल मांगी गई मात्रा में क्या हो जाएगा, परिवर्तन। मांग में वृद्धि या कमी होने पर मांग तालिका और मांग वक्र में भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाते हैं। मांग में विस्तार या संकुचन, मांग में विस्तार तथा संकुचन। तो जब किसी वस्तु की मांग बढ़ेगी तो उसे क्या कहेंगे बेटा, विस्तार, और किसी वस्तु की मांग घटेगी तो उसे क्या कहेंगे, संकुचन। कीमत में परिवर्तन होता है तो मांगी गई मात्रा में भी क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, परंतु मांग वक्र वही रहता है, अर्थात उपभोक्ता मांग वक्रवार नीचे या ऊपर कीमत परिवर्तन के स्थान से बदलता रहता है। जब मांग बढ़ेगी, जब कीमत बढ़ेगी तो मांग वक्र नीचे की ओर होगा, और जब कीमत घटेगी तो मांग वक्र ऊपर, या इसे विस्तार और संकुचन भी कहते हैं। और आज बच्चों होमवर्क है, आप इसके पहले पढ़ा था मांग की परिभाषा लिखकर मांग मतलब व्याख्या कीजिए, और मांग के नियम के अपवाद लिखिए, मांग वक्र ढाल नीचे की ओर क्यों होता है समझाइए। ये आपका होमवर्क है बेटा, कॉपी में लिखोगे और